हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप एडिबल बिस्किट कप्स के बारे में जानना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों, अगर आप चाय का बिजनेस कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं या करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप एडिबल बिस्किट कप्स के बारे में जानते होंगे। दोस्तों, एक ऐसे कप होते हैं जिसमें कस्टमर चाय पी सकता है और चाय पीने के बाद उन कप्स को खा सकता है, यानी कि जीरो वेस्ट होता है। आपको कोई पेपर कप में चाय को सर्व नहीं करना, आपको ना ही कुल्हड़ में सर्व करना है, आपको इस तरीके के पेपर इस तरीके के एडिबल बिस्किट कप में अपनी चाय को सर्व करना है, जिसको पीने के बाद कस्टमर आपके कप को भी खा जाएगा, यानी कि बिस्किट के बदले वो आपके कप को खा जाएगा। अब एक चीज मैं आपको ये बता दूं, ये जो कप होते हैं नॉर्मली आपको बहुत जगहों पर मिल जाएंगे। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कप आपको कहां से मिलने वाले हैं। एक कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली उस कंपनी को कॉल करके वहां से ले लें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कहां से खरीदना है। साथ ही में दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर बता दूं, एक्चुअली आप कुल्हड़ को रिप्लेस कर सकते हैं, आप प्लास्टिक वाले कप को, पेपर कप को रिप्लेस कर सकते हैं इन बिस्किट कप से, लेकिन इन कप को यूज करने में क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही में दोस्तों, मैं प्राइस भी बताने वाला हूं कि ये कप आपको पर पीस कितने का पड़ने वाला है, और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एंड में आपकी जो चाय की कॉस्टिंग आने वाली है वो कितनी पड़ेगी। तो आपको ये अंदाजा बिल्कुल लगा लेना चाहिए बिजनेस शुरुआत से ही कि भैया, अगर आप ये एडिबल बिस्किट कप यूज करते हैं तो ये कप कितने का पड़ने वाला है। साथ ही में आप सैंपल के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिस कंपनी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके अलावा मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा जहां से आप एडिबल बिस्किट कप्स को ऑर्डर कर सकते हैं, एज अ सैंपल यूज कर सकते हैं, उनका टेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग फ्लेवर्स में भी अवेलेबल है। तो आप चेक कर लो, जो आपको जहां से अच्छा लगे आप वहां से ले सकते हो। अब जिस कंपनी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, इस कंपनी के बारे में सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका काम आसान कर सकूं। इस कंपनी से किसी भी तरीके का कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है, ना ही मैंने कंपनी से कोई पैसा लिया है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इस कंपनी के बारे में बताया क्योंकि दोस्तों, मैंने पिछले कुछ दिनों से बहुत ही डीप रिसर्च करी है इसके बारे में। 8 से 10 कंपनीज से ज्यादा से मैं बात कर चुका हूं। कुछ कंपनीज के प्राइस बहुत ज्यादा हाई है और कुछ कंपनीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कुछ कंपनीज के बात करने का तरीका नहीं है सही। तो इस कंपनी से जब मैंने बात किया तो इनका प्राइस भी मुझे ठीक लगा और बात करने का तरीका भी ठीक लगा, तो इसीलिए मैं इस कंपनी को शेयर कर रहा हूं, और कोई मकसद नहीं है। तो आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कहां से लेना है। साथ ही मैं आपको और भी बहुत सारे तरीके बताऊंगा, और भी काफी सारे सप्लायर्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आप डायरेक्टली कॉल करके उनसे भी माल मंगा सकते हैं, उनसे भी सैंपल ले सकते हैं। तो यहां पर पर्टिकुलरली किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आपको यहीं से लेना है, क्योंकि यहां पर आप अगेन कोई फ्रेंचाइजी तो ले नहीं रहे हो, तो आप पैसा देकर माल ले रहे हो, आप किसी से भी सीना ठोक कर माल ले सकते हो। तो चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर और सारी डिटेल्स कवर करता हूं। साथ ही में दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात मैं यहां पर आपको बता दूं, इस वीडियो के बाद 2 और वीडियो आने वाले हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक्चुअली मैंने ऑर्डर कर दिए हैं एडिबल बिस्किट कप्स, और वो मेरे पास कुछ दिन में आने वाले हैं, हार्डली 2 से 3 दिन लगेगा। 2 से 3 दिन के बाद जब वो कप मेरे पास आ जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कप आपको ऑन कैमरा दिखाने वाला हूं, उसको थोड़ा तोड़ के देखेंगे कितने स्ट्रांग है, उसके बाद उनको टेस्ट करेंगे खाली बिना चाय को डाले हो, क्योंकि ये फ्लेवर वाले होते हैं प्लेन होता है, चॉकलेट होता है, इलायची होता है, उसको टेस्ट करके बताऊंगा कितना फ्लेवर आ रहा है चॉकलेट का, इलायची का। और साथ ही में उसके बाद हम उसको उसमें चाय डाल के, हॉट कॉफी डाल के, हॉट कॉफी या हॉट टी डालने के बाद उसको होल्ड करके देखेंगे कितनी देर तक ये चाय और कॉफी को होल्ड करके रखता है, और एक जेन्युइन रिव्यू आपको दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इस टॉपिक पे कि आप एडिबल कप्स को कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसकी मशीन की डिटेल्स भी मैंने ले ली है, और उसकी जो मशीन है वो कॉस्ट करती है 2 लाख के आसपास, 2,30,000, और इसके अलावा भी बड़ी बड़ी मशीन है जो 3 लाख के ऊपर ऊपर भी जाती है। तो मैं उस मशीन की पूरी डिटेल आपको दूंगा, किस तरीके से आपको ये एडिबल बिस्किट कप्स बनाने वो भी बताऊंगा। तो ये 2 वीडियो नेक्स्ट आने वाले हैं, अगर आपके बहुत ज्यादा कमेंट्स आए तो। अगर आपको थर्ड पार्ट नहीं देखना मत देखना, बट सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कमेंट जरूर कर देना वीडियो पे कि एडिबल बिस्किट कप्स को ऑन कैमरा दिखाइए, चाय को होल्ड करके दिखाइए। हालांकि दोस्तों, ये काम आपको करना है, अगर आप जेन्युइनली चाय का बिजनेस करना चाहते हो तो थोड़ी सी जहमत प्लीज उठाना, ये आप जरूर करना कि आप सैंपल ऑर्डर करो। सैंपल कैसे ऑर्डर करना है, कहां है, सब कुछ मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो सैंपल ऑर्डर करने के बाद आप उन कप्स को, कप में चाय को खुद डाल के देखो, होल्ड करके देखो, बॉइल चाय को कितनी देर तक होल्ड कर पा रहा है कप, ये सारी चीजें देखो। बट फिर भी मैं ऑन कैमरा जरूर दिखाऊंगा ताकि आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस कप के साइजेस के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो कप है काफी सारे साइजेस में आपको मिल जाएगा। 60 ml से बेसिकली ये कप स्टार्ट हो जाता है, 60 ml, उसके बाद आपको मिल जाएगा 90 ml, और कोई कोई कंपनी आपको 75 ml भी प्रोवाइड करती है, बट वो बहुत रेयर होता है, 75 to 85 का भी मिल जाएगा आपको, साथ में 100 ml और फिर 150 ml। तो इस तरीके के आपको ये कप मिल जाएंगे। अब हर सप्लायर का, हर कंपनी का जो पैकिंग साइज है वो अलग अलग होता है। एक चीज का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, जिस भी कंपनी से, जिस भी सप्लायर से आप ऑर्डर कर रहे हैं,
जो उसका पैकिंग साइज हो, यानी कि जो उसका कार्टन साइज हो, जो बॉक्स साइज हो, वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट में आपके सारे कप टूट जाएंगे, ज्यादातर टूटेंगे। अगर जो पैकिंग साइज है ना, जो बॉक्सेस छोटे हैं ना, वो ट्रांसपोर्ट में बचे रहते हैं, यानी कि उनको लोग ज्यादा उठा पटक नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप बेसिकली देख सकते हैं कुछ कंपनीज है जिनका 100 की पैकिंग साइज होती है, यानी कि 100 का बॉक्स होता है, कुछ कंपनीज का 500 है और कुछ कंपनीज का 1000-2000 का भी होता है। एक ही बड़े डब्बे में 1000 कप 2000 कप पैक कर देते हैं। आपको जो ऑर्डर करना है ना, आपको वो मैक्सिमम 500 से 100-250-500 कप का ऑर्डर देना है, जो कि एक डब्बे में पैक होकर आए। इतना समझ लो, जहां पर क्वांटिटी 500 से ऊपर जा रही है एक बॉक्स में, वहां पर दिक्कत होगी, आपका जो है वो वेस्ट बढ़ेगा, यानी कि आपका जो खर्चा है वो ज्यादा होगा, और जो प्रोडक्ट आपके पास है वो टूटा हुआ पहुंच रहा है, जो कि आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि ये जो कप है, ये अगर टूटे हुए हैं, जर्क हो लगा है किसी में दरार आ गई है, लीकेज है, तो ये नहीं चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इन कप्स के प्राइस के ऊपर। देखिए दोस्तों, ये जो कप है, इनका मार्केट में अलग अलग प्राइस है, हर कंपनी का अपना रेट है, बट आइडियली मैं ना आपको ये बता दूं कि इस कप की जो मेकिंग कॉस्ट है ना, वो 1.5 रुपए आती है। मतलब इस जो भी है आपका एडिबल बिस्किट कप को बनाने में 1.5 रुपए की कॉस्टिंग आती है, बट कंपनीज इसको बेचती है 2 रुपए से इसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है, कुछ कंपनीज 2.5-3 रुपए। बट आपको मैं चीज बता रहा हूं, 2-2.5 रुपए में आपको दिख जाएगा, कंपनीज बोल देंगी, बट वहां पर कंडीशन निकल कर आएगी कि भैया आपको मिनिमम ऑर्डर जो है वो 50,000 कप का देना पड़ेगा। तो ये यूजलेस बात है, आपको स्टार्टिंग में 50,000 कप का ऑर्डर देना ही नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, अपना पैसा मत फंसा लेना ये 2.5-2 रुपए के चक्कर में कि आप 50,000 कप का ऑर्डर दे दो। पहले आप देखो, अगर आप पुराना चाय का बिजनेस कर रहे हो, कुल्लड़ में सर्व कर रहे हो, आपको पता है कि भैया डेली बेसिस पे मेरे 2000-3000 कप निकल जाते हैं, तब आप ले सकते हो, क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी है ना इन कप्स की, वो 5 महीने के आसपास होती है। मोस्टली कंपनी से मैं बात कर चुका हूं, तो उनके जो एक्सपायरी है इन कप्स की, वो 5 महीने की है, और एक कंपनी की 6 महीने की थी। तो आपको इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है खरीदने से पहले, कि इनकी एक्सपायरी कितनी है और क्या मैं उतना कंज्यूम कर पाऊंगा, क्या मैं इतना यूज कर पाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो बल्क क्वांटिटी खरीद लो, बाद में वो वेस्ट जा रही है। साथ ही में दोस्तों, एक चीज और यहां पर मैं बता दूं, एडिबल बिस्किट कप्स की जो प्राइस है वो क्वांटिटी पे भी डिपेंड करती है, डेफिनेटली करती है। अगर आप किसी कंपनी से ज्यादा माल खरीद रहे हो, तो वो प्राइस में आपको लिवरेज दे देगा, आपको वो है कि प्राइस थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाएगा वहां पर। बट ऐसा नहीं कि भैया आपका बहुत फायदा हो जाएगा यहां पर, अगर आप बल्क क्वांटिटी लेते हो तो थोड़ा बहुत फायदा डेफिनेटली होगा। अब मैं अगर एक एग्जांपल दूं, मैंने एक कंपनी से बात करी जिनके 60 ml के जो कप है उसका प्राइस है 6 रुपए, और जो उनका 90 ml का कप है उसका प्राइस है 8 रुपए। अब कंपनी का ऐसा कहना है कि सर, अगर हमसे आप 1000 कप का ऑर्डर देते हो तो आपको ये प्राइस पड़ेगा, यानी कि 60 ml का 6 रुपए और 90 ml का 8 रुपए, लेकिन अगर आप 1000 कप से ज्यादा का ऑर्डर देते हो तो आपको पड़ जाएगा 5 रुपए 50 पैसे 60 ml का और 7 रुपए 50 पैसे 90 ml के कप का। और साथ ही में दोस्तों, अगर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप 2000 से ऊपर का ऑर्डर देते हो तो जो 60 ml का कप है वो आपको 5 रुपए का पड़ जाएगा, और जो आपका 90 ml का कप है वो आपको 7 रुपए का पड़ जाएगा। और आप साथ ही में हर कंपनी से दोस्तों सैंपल की डिमांड कर सकते हो, आपको बिना सैंपल ट्राई करे हुए किसी भी कंपनी को बल्क ऑर्डर नहीं देना है। सिंपल सी बात, इस चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना, क्योंकि आपका पैसा, बहुत मेहनत का कमाया हुआ पैसा, ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए यार। तो सैंपल में देखिए, थोड़ा बहुत हम खर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी चीज को ट्राई डेफिनेटली करना चाहेंगे, और ट्राई करने के बाद जब हमें पसंद आएगी तब हम पैसा खर्च करते हुए डरेंगे नहीं, हमें पता है कि जो चीज हम खरीद रहे हैं वो सही आने वाली है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर और बता दूं, जब आप सप्लायर से ऑर्डर करने वाले हैं बल्क में, तो आप उनसे ये जरूर पूछ ले किस तरीके की पैकिंग वो करके भेजेंगे इन कप्स में, और साथ ही में पैकिंग जो ट्रांसपोर्ट है, आप कोशिश करिए कि जिस भी सप्लायर से आप ले रहे हैं वो आपके आसपास के एरिया में हो। जिस कंपनी के बारे में मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा और उनको नहीं मिल रहा कोई सप्लायर, वो डेफिनेटली उसको कॉल करके ले सकते हैं उनसे। लेकिन आगे जो मैं तरीका बताने वाला हूं, डेफिनेटली उस तरीके को फॉलो करके आप अपने सिटी के, अपने एरिया के आसपास का सप्लायर ढूंढो, ताकि ट्रांसपोर्ट में ना आपके कप टूटे ना, आपका नुकसान ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान है यहां पर। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है इसमें, कि ये कप्स जो है वो टूटते हैं। आपने देखा होगा कोन्स भी टूट जाते हैं, जो वेफल कोन होते हैं, जो सॉफ्टी वाले कोन होते हैं, तो इसी तरीके की ये चीज है, सॉफ्टी वाले जो कोन होते हैं उसी तरीके के कप होते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट में थोड़ा बहुत उठा पटक होगी इनके साथ तो ये डेफिनेटली टूटेंगे, तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि आपको लेने कहां से हैं और कौन कौन से मेथड से आप इनको खरीद सकते हैं और सैंपल किस किस तरीके से आप ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूं, उस कंपनी का नाम है तनिष्क फूड, और इस कंपनी से आप डायरेक्टली सैंपल्स ऑर्डर कर सकते हैं। अब यहां पर कंपनी के पास 3 फ्लेवर है, आपका प्लेन कप्स है, इसके अलावा चॉकलेट कप है, और साथ ही में इलायची कप है। अब अगर आप सैंपल ट्राई करना चाहते हैं इनके, तो आप 30 कप का ऑर्डर दे सकते हैं, 10-10 फ्लेवर तीनों के। लेकिन कंपनी से जब मैंने बात करी तो कंपनी के जो ऑनर है उन्होंने क्लियरली एक चीज मेरे से कह दी कि सर, हम सैंपल्स भेज तो देते हैं बट सैंपल्स टूटने का डर रहता है, क्योंकि वो नॉर्मल डिलीवरी से जाता है और डिलीवरी बॉय आपको पता ही है वो थोड़ा बहुत उठापटक करते हैं सामान के साथ, तो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत कप्स आपके टूट सकते हैं। इसीलिए कंपनी का ऐसा कहना है कि कंपनी आपको 30 कप देती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में, और
कंपनी उसमें 30 कप के साथ साथ वो जो प्लास्टिक का एक बॉक्स आता है उस बॉक्स में इन कप्स को पैक करते ताकि टूटने की संभावना थोड़ी कम हो जाए और आपके पास ज्यादा से ज्यादा कप पहुंचे। यानी कि आप 30 का ऑर्डर कर रहे हैं और आपके उसमें से 5, 6, 10 कप ही टूट जाए, तो इसलिए कंपनी प्लास्टिक के बॉक्स में डेफिनेटली उसको पैक करती है। और कंपनी ऐसे कहना है कि सर उस बॉक्स की कॉस्टिंग ही 150 रुपए है, बट हम ये चाहते हैं कि जिसको हम वो सैंपल भेज रहे हैं उसके पास सही से माल पहुंचे, यानी कि सैंपल सही से पहुंचे। अगर सैंपल सही से पहुंचेगा तो आगे वो डील भी हमसे सही से करेगा। तो ये चीज कंपनी की मुझे अच्छी लगी कि वो सैंपल को भेज रही है ठीक ठाक तरीके से, और अगर आपको सैंपल ठीक से पसंद आता है तो आप डेफिनेटली उनसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए आप यहां पर ये जितने भी आपके एडिबल बिस्किट कप हैं आप इनको इंडिया मार्ट से या फिर दोस्तों आप सीधा अमेजोन से जाकर भी सैंपल ट्राई कर सकते हैं। अब अमेजोन से ट्राई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अमेजोन पे जाना है और सीधा जाकर टाइप करना है एडिबल बिस्किट कप और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहां पे जो प्राइस है वो 180 रुपीज है 10 पीसेस का, और साथ ही में यहां पर जो प्राइस है वो 180 से ज्यादा भी है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और आपको ये कप्स मिल जाएंगे। आप चाहे यहां सर यहां से मंगाकर सैंपल ट्राई करिए, चाहे आप तनिष्क फूड से मंगाकर ट्राई करिए, बट एटलीस्ट आप सैंपल ट्राई करिए। आपके हाथ में जब ये कप होगा तभी आप समझ पाएंगे। साथ में एक चीज और मैं आपको यहां पर बता दूं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर इंडिया मार्ट में बहुत सारे सप्लायर्स हैं, कोई 4 रुपए का बेच रहा है, कोई 2 रुपए का बेच रहा है, कोई 6 रुपए का बेच रहा है, कोई 4 रुपए का बेच रहा है, बट यहां पर समझने वाली चीज ये है जब आप इनको क्लिक करेंगे इन पे जाएंगे तो वहां पर लिखा होगा कि मिनिमम ऑर्डर 50,000, मिनिमम ऑर्डर 1 लाख, तो यहां पर ये चीज बकवास है, ये नहीं हो सकता। एकदम से स्टार्टिंग में आप 50,000 1 लाख कप्स का ऑर्डर मत देना, गलती मत करना, स्टार्टिंग में आप कम लो। अगर आपको पुराना बिजनेस में दोबारा बता रहा हूं तो आप ले सकते हो। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं तनिष्क फूड के प्राइस के बारे में कि जो एडिबल बिस्किट कप्स हैं ये तनिष्क फूड कितने का प्रोवाइड कर रहा है। देखिए दोस्तों तनिष्क फूड का ये कहना है कि अगर आप 1,000-2,000 कप की क्वांटिटी लेते हैं तो ये कप आपको पड़ेगा 5 रुपए का। इनके पास 80 ml का कप है, और साथ ही में दोस्तों अगर इनका कहना है कि अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं थोड़ी सी भी तो प्राइस कम हो जाता है। जैसे कि आप 5,000 कप के आसपास ऑर्डर करते हैं तो 4.75 रुपीज का आपको पड़ेगा, अगर आप 10,000 से ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो आपको 4.50 रुपए का कप पड़ेगा। तो आप यहां से ले सकते हैं, एटलीस्ट सैंपल ले सकते हैं, यार इनसे नहीं लेना आप मत लीजिए। दोस्तों वीडियो के लास्ट में अगेन एक ही बात कहूंगा कि हम ना पैसा खर्च कर रहे हैं और हम पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं, पैसा खर्च करने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए। जहां पर पैसा खर्च करने की बात आए आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि कहीं ये पैसा मेरा गलत तो नहीं जा रहा, क्या मेरा व्यर्थ तो नहीं जा रहा। तो इसीलिए किसी भी कंपनी पे आपको आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, आपको कंपनी के अकाउंट में पैसा डालना है। कोशिश करिए कि किसी भी थर्ड पार्टी ऐप पे आपको पेमेंट नहीं करना है, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, उनको नहीं करना है यार, उस एप्स पे नहीं करना है। आपको ऑफिशियली कंपनी के बिजनेस अकाउंट में ही पैसे को डालना है ताकि आप फ्रॉड और स्कैम से बच सको। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही में दोस्तों अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं जिसमें मैं एडिबल बिस्किट कप्स को ऑन कैमरा अनबॉक्स करके उनको तोड़ के उनको खा के उनमें चाय को होल्ड करके दिखाने वाला हूं, तो मेहरबानी करके प्लीज कमेंट जरूर करना, मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं जल्दी उनको ऑर्डर मैंने ऑलरेडी कर दिए, जल्दी जैसे ही मेरे पास आएगा जल्द से जल्द मैं शूट करके आपको वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगा ताकि आप लोग उसको इजीली देख पाए और चार सारी चीजें समझ पाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Tell me pretty lies.